मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग लेके आई हूँ। कुछ घर में काम था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और आज जीतिया का व्रत है, ये पुत्र जी लड़के लोगों का व्रत होता है, मम्मी लोग करती हैं। और इसमें हम लोग निर्जला व्रत करते हैं और गंगा जी जाके वहाँ कथा सुनते हैं और उसके अगले दिन हम लोग व्रत को तोड़ते हैं। और ये सब पूजा देखने के लिए मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। आगे भी हम दिखाएंगे ये व्रत में क्या क्या नियम होते हैं, बने रहिए दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम किचन में आ गए हैं। अब हम लोग खाना की तैयारी करेंगे। खाने में हम लोग कढ़ी, चावल, दही बड़ा, आलू चने की सब्जी, प्याजू, बैंगनी चॉप, इमली की चटनी, चना सब्जी, आज ये सब हम लोग बनाएंगे ये और खाएंगे। यही सब जीतिया के दूसरे दिन बनता है हम लोगों के घर में और यही सब पारण किया जाता है जीतिया में। सभी के घरों में यही बनता है, पारण किया जाता है। और काम बहुत ज़्यादा है, 10:30 बजे का टाइमिंग है कि इसी के अंदर खाना पड़ता है, नहीं तो टाइमिंग 10:30 बजे का है। खा उ के हम लोग उसके बाद ये करेंगे। और 10:30 बजे का तो इसमें हम लोग चाय भी बनाएंगे, फिर गर्म पानी, फिर शुरुआत में हम लोग ना पहले माड़ पीते हैं। माड़ पीने के बाद ये सब भोजन करेंगे, फिर पूजा का प्रसाद खाएंगे। उसके बाद पूजा में चना मिलता है, चना भी पहले लेंगे। प्रसाद खाने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। प्रसाद खाने के बाद फिर माड़ पियेंगे, उसके बाद अन्न ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही आगे। देखिए सोयाबीन को उबाल के हम फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद फिर चने को उबाल कर फ्राई। देखिए मेरा आलू चना सोयाबीन का सब्जी बन के रेडी हो चुका है और देखने में देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अभी कढ़ी भी बन के मेरा रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ प्याजू भी बन रहा है। देखिए अब बैंगनी फ्राई हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब आलू चॉप फ्राई हो रहा है। खाना बन चुका है मेरा। अगर कोई भी चीज़ का आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए।